तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है बगड़ गांव की, जहां लाला सोहन लाल का सोने का गोदाम होता है और बाहर से माल उसकी दुकानों में जाया करता था। सारा काम सही चलता था, लेकिन लाला के गोदाम में से सामान गायब हो गया। अगले दिन लाला अपने सभी नौकर और कर्मचारियों को बुलाकर पूछता है, अरे आज तो सामान काफी कम लग रहा है, ये सामान आखिर कहाँ जा रहा है? रात में कोई चोर चोरी तो नहीं किया है? हमारे गोडाउन में किसी ने डाका तो नहीं डाला? नहीं साहब, हम तो ताला अच्छे से लगा कर गए थे और कैमरे भी चल रहे हैं, उनमें भी कोई चोर नजर नहीं आ रहा है। हमने सब चेक कर लिया, पता नहीं सामान आज कम कैसे लग रहा है। चलो कोई नहीं, लगता है शायद रात में हमने थोड़ा ज्यादा ही पी लिया था, इसीलिए अभी तक उतरी नहीं है और सामान हमको कम लग रहा है। हाँ साहब, लगता है शायद आपने अपने कोटे से कल रात थोड़ा ज्यादा ही पी ली है, इसीलिए सामान कम लग रहा है आपको। उन्हें इतना कुछ फर्क नहीं लगा और वो बात टाल कर अपने अपने काम पर निकल गए और फिर वो काम पर चले जाते हैं। लाला अगले दिन फिर गोदाम पर जाता है और देखता है कि फिर से सोना गायब है। रोजाना लगभग ऐसे ही होने लगा। सारे कर्मचारी भी बिल्कुल अचंभित रह जाते हैं कि सब ईमानदार हैं और कोई चोरी चकारी भी नहीं करता, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी में भी उनके कैमरे में कुछ नहीं आ रहा था। फिर वो कहते हैं, ये तो ऐसे हो रहा है जैसे पुष्पा फिल्म में चंदन की लकड़ियों की तस्करी होती थी, ऐसे ही हमारे गोदाम से सोना गायब हो रहा है और कौन लेकर जा रहा है ये भी पता नहीं चल रहा। गेटकीपर को मेरे पास भेजो, मैं उसे पूछता हूँ कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है, उसे कुछ ना कुछ तो मालूम ही होगा क्योंकि वो यहाँ पर पहरा देता है हर रोज। साहब मैं अपनी ड्यूटी बहुत ही ईमानदारी पूर्वक देता हूँ, मेरे रहते हुए इस गोदाम में परिंदा भी पर नहीं मार सकता क्योंकि मेरे दादा अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे और मैं उनका पोता होता हूँ, मुझे आप सालों से जानते हैं, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। तो ये सब हर रोज गोदाम में क्यों हो रहा है? आज तो मैंने पी भी नहीं रखी है, लगता है किसी की काली नजर इस गोदाम पर लग गई है। पता नहीं साहब ये क्यों हो रहा है, ना ही कोई कैमरे में कैद हो रहा है और ना ही कोई दिखता है, और सोना और चंदन गायब हो रहा है, आखिर इन सब के पीछे कौन है और कौन इनका मास्टरमाइंड है? जब ये सब हो रहा था तो जो भूत सोना चुरा रहा था वो भी ये सब बातें गौर से सुन रहा था। उसमें से एक भूत बोलता है, अरे भाई ये पुष्पा कौन है? इसका नाम तो पहले हम लोगों ने नहीं सुना, ये हमसे भी खतरनाक है शायद, इसके बारे में तो अब हम सबको पता करना ही पड़ेगा चाहे जो भी हो। भाई इसके लिए तो हमें पिक्चर देखनी पड़ेगी, इस हफ्ते एक मूवी रिलीज हुई है, काफी लोग इस मूवी की चर्चा कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं साउथ सिनेमा के इतिहास का सबसे सुपर डुपर मूवी है, इस मूवी ने एक सप्ताह में ही 100 करोड़ कमा लिए है, शायद ये वही मूवी है। पिक्चर का आज ही प्लान बना लो, आज नाइट शो चलकर देखते हैं, तब तक मैं थोड़ा नहा धोकर फ्रेश हो जाता हूँ, तुम भी जाकर दाढ़ी बना लो, हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम लोग भूत हैं, बिल्कुल चकाचक लगने चाहिए, समझे? सारे भूत सिनेमा हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। फिर सिनेमा शुरू होता है, तभी गुटके का एड आने लगता है। वो गुटके का एड देखकर काफी डर जाते हैं और कहते हैं, यार ये गुटका कितना गंदा चीज है, लोग इसे क्यों खाते हैं? इसे खाने से तो कैंसर हो जाता है ना, और लोग समय से पहले परलोक सिधार जाते हैं। तुम सही बोल रहे हो भाई, अब से मैं भी गुटखा नहीं खाऊंगा, इसकी आदत लग गई है मुझे। हाँ भाई अब से उसकी तरफ जाऊंगा भी नहीं, कसम चुड़ैल देवता की अब से नहीं खाऊंगा, आज से सब बंद। फिर एड खत्म होने के बाद मूवी स्टार्ट हुई। मूवी स्टार्ट होते ही सारे लोग खुशी के मारे चिल्लाने लगे और बहुत सारे लोग सीटी भी बजाने लगे। तभी उसमें से पहला भूत कहता है, अरे यार हल्ला कम करो, अभी मूवी स्टार्ट ही हुई है और सब लोग हल्ला गुल्ला शुरू कर दिए हैं। भाई हमारी बातें तो इनको सुनाई नहीं दे रही होगी क्योंकि हम भूत हैं।
फिर सब लोग मिलकर मूवी देखने लगते हैं। मूवी में जब हीरो की एंट्री होती है तभी तीसरा भूत बोलता है, अच्छा तू ही पुष्पा है, सॉरी पुष्पराज। यार ये तो काफी जिद्दी किस्म का इंसान है, इससे तो किसी की बात बर्दाश्त भी नहीं होती है। मुझे तो लगता है कि एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, ये पूरी दुनिया पर राज करेगा। अचानक से पहले भूत को खटमल काटने लगता है, तभी पहला भूत कहता है, तुम लोग कौन सा सस्ता सिनेमा हॉल में लेकर आ गए हो हमें, देखो तो साला खटमल काट रहा है। सिनेमा हॉल ऐसा लग रहा है जैसे कि ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है, देखो तो वही पुरानी सीट, वही पुराना पर्दा, यहाँ तो एसी भी नहीं है। तुम लोग पैसे बचाने के चक्कर में हमें कहाँ लेकर आ गए हो। सॉरी भाई, मूवी देखने की उत्सुकता में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं ऑर्डिनरी टिकट ले लिया हूँ। अब से ऐसा नहीं होगा, अब से एकदम एसी वाला ही टिकट लेंगे। हाँ अब से एसी वाला ही टिकट लेना, कितनी गर्मी हो रही है और हम लोग चोरी किसके लिए करते हैं, इतना सारा धन दौलत किस दिन काम आएगा। अब सब लोग मूवी देखने में काफी व्यस्त हो जाते हैं और भूत लोगों को पता ही नहीं चलता कि इंटरवल हो चुका है। तभी एक नारियल वाला चिल्लाता हुआ आता है, नारियल 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 ले लो, मीठा ताजा नारियल, सबसे स्वादिष्ट नारियल। तभी भूत लोगों को नारियल वाले की आवाज सुनाई देती है, सब आपस में कहने लगते हैं कि मुझे भी नारियल खाना है, मुझे भी नारियल खाना है। उसमें से तीसरा भूत कहता है, छोटे बच्चों के जैसे जिद मत करो, तुम सबको मैं नारियल खिलाता हूँ, रुको। फिर तीसरा भूत नारियल वाले को आवाज देता है, लेकिन नारियल वाला भूत की आवाज नहीं सुन पाता है और फिर वो भूत गुस्से में आ जाता है और अपने हाथ बढ़ाकर नारियल चुरा लेता है। तभी नारियल वाला बोलता है, अरे हमारा सारा नारियल कहाँ गायब हो गया, अभी तो सारा का सारा नारियल मेरे पास ही था, तो आखिर कहाँ गया नारियल, कोई भूत तो नहीं चुरा लिया लगता है, आजकल भूत भी सिनेमा देखने आने लगा है। फिर मूवी शुरू हो जाती है और सारे लोग मूवी देखने लगते हैं और भूत नारियल भी खाने लगते हैं। तभी तीसरा भूत कहता है, नारियल तो काफी मीठा था, मजा आ गया खाकर। चोरी का फल मीठा होता है, इसी तरह हम लोग हर संडे मूवी देखने आया करेंगे और खूब मस्ती करेंगे। तभी मूवी में आइटम सॉन्ग शुरू हो जाता है और सारे लोग नाचने लगते हैं, कोई सीटी बजाता है तो कोई डांस करने लगता है। तभी दूसरा भूत बोलता है, अरे यार ये तो वही समानता हीरोइन है ना, इसका कुछ दिन पहले तलाक हुआ था, देखो तो तलाक होने के बाद कितनी हॉट हो गई है और डांस भी एकदम मस्त कर रही है, मेरा तो इससे शादी करने का मन कर रहा है। तुम भी अजीब बात करते हो, इंसान और भूत में शादी होती है क्या? ना बाबा ना, इंसान से शादी कभी मत करना, सुना है कि शादी के बाद लड़की घर का सारा काम अपने हस्बैंड से ही करवाती है। क्या काम करवाती है वैसे? जैसे कि घर में झाड़ू लगाना, घर में पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, और तो और अपने पैर हाथ भी दबवाती है, हस्बैंड को तो बिल्कुल नौकर बनाकर रखती है। साला मैं झुकेगा नहीं और शादी नहीं करेगा, बिल्कुल मैं अब सलमान भाई के जैसा रहेगा। वो सारे पिक्चर देखने जाते हैं और शाम तक पिक्चर देखकर आ जाते हैं। अच्छा अब समझ आया मुझे, ये हमें पुष्पराज क्यों कह रहे थे, क्योंकि हम चोरी कर रहे थे और इनको पता भी नहीं चल रहा था। चलो भाई एक काम करते हैं कि हम अपने सरताज का नाम पुष्पराज रख देते हैं। साहब ये तो भूतिया पुष्पराज चल रहा है, एकदम वैसा ही हो रहा है जैसे पिक्चर में होता है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर कुछ समय बाद पता चलता है कि आसपास में भी सब घरों में चोरी हो रही है और सीसीटीवी कैमरा में नहीं आ रहा, सिर्फ रात के समय घर का सामान गायब हो जाता है और सुबह तक किसी चीज का कोई निशान भी नहीं रहता। उन सब लोगों ने मिलकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई। साहब हमारे इलाके में बहुत चोरी हो रही है और कोई कैमरे में भी नहीं पकड़ा जा रहा है, हमें तो ये भूतिया पुष्पराज लगता है। तुम सब पागल हो क्या, भूतिया पुष्पराज क्या होता है, वो सब कुछ नहीं होता है, भागो यहाँ से सब, ऐसा कुछ नहीं होता, ये पुलिस थाना है, कोई मजाक थोड़ी है। जब पुलिस उनकी बात नहीं सुनती तो वो सोचते हैं कि उन्हें तांत्रिक के पास जाना चाहिए। बाबा हमारी मदद करो, मेरे गोदाम में सामान चोरी हो रहा है और कोई मिल भी नहीं रहा। तांत्रिक लाला के गोदाम में जाता है। हाँ यहाँ तो सच्ची में भूत का साया है और वही भूत तुम्हारा सामान चुरा रहा है, लेकिन वो कोई पुष्पराज नहीं है। तो बाबा आप प्लीज भूत को भगाओ, यहाँ से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, तो चिंता मत ले बेटा। तांत्रिक अपना जादू टोना शुरू कर देता है और फिर वो उस भूत को वहाँ से भगा देता है। फिर लाला का गोदाम फिर से अच्छी तरह से चलने लगता है और वहाँ से कोई भी सामान
गायब नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।